देखिए, हाई कोर्ट का जो फैसला आया है, अब कोर्ट का फैसला है, इस पर बहुत टिप्पणी क्या की जा सकती है, लेकिन फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। जातीय गिनती जल्दी से जल्दी हो, इसकी आवश्यकता पहले से महसूस की जा रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सहित कई राज्यों के न्यायालयों ने पहले भी अलग-अलग समय पर वहाँ की सरकारों से कहा है कि आपका के पास आंकड़ा नहीं है, आंकड़ा दीजिए, तभी ऐसे विषयों पर हम बात कर पाएंगे। सरकारों के पास आंकड़ा नहीं है, या सबको मालूम है 1931 में जात की गिनती हुई, उसके बाद जात की गिनती हुई ही नहीं देश में, तो आंकड़ा की ज़रूरत है। आंकड़ा नहीं होने के कारण कोर्ट को भी दिक्कत होती है, और फिर सरकार की योजना ठीक से चले इसमें भी कठिनाई होती है। तो जात की गिनती तो आवश्यक है ही। राज्य की सरकार को चाहिए था कि पूरी तैयारी के साथ इस मुकदमा को सरकार लड़ती, लेकिन वही सुस्त रवैया, लापरवाह रवैया इनका जो हमेशा से रहा है, कोर्ट की चीज़ों को सीरियस नहीं लेना, लीगल मैटर है तो स्वाभाविक रूप से इसमें ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत थी, लेकिन राज्य की सरकार के नॉन सीरियस होने का परिणाम है हाई कोर्ट का यह फैसला। और ऐसा फैसला कोर्ट में जिसमें नॉन सीरियस राज्य की सरकार है, यह जो दिख रहा है कोई पहली बार नहीं है। इसके पहले भी कई बार ऐसे फैसले कोर्ट में आए हैं जिसमें नरसंहारों के मुजरिम भी बचते रहे हैं, क्योंकि राज्य की सरकार ऐसे मामलों में बिल्कुल नॉन सीरियस हो जाती है, बिल्कुल लापरवाह ढंग से काम करती है, और इसलिए इस मामले में भी कोई सीरियसनेस था ही नहीं सरकार का, जिसका नतीजा हुआ कि इस रूप में बातें आई हैं। तो इसके लिए अगर जिम्मेवार कोई है आज की तारीख में, जातीय जनगणना आगे नहीं हो पाए इस बात के लिए, तो बिहार की सरकार दोषी है, और नीतीश कुमार जी दूसरे राज्यों में जाकर घूमते हैं, बिहार के प्रति उनकी जो रुचि है समाप्त हो चुकी है, इनके इस रवैया के कारण ऐसा हुआ है। तो पूरे तौर पे इसके लिए दोषी अगर कोई है तो नीतीश कुमार जी हैं, बिहार की सरकार है। लेकिन सर, सरकार ने सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है, जो सत्ताधारी दल के लोग हैं, कि 2 जुलाई को जो फिर से सुनवाई है उसमें उम्मीद है कि हमारी जीत होगी। आपको क्यों लगता है कि जो सबसे महत्वाकांक्षी योजना माना जाता था जातिगत गणना, उसमें सरकार लापरवाही क्यों करेगी? नहीं, सरकार लापरवाही इसलिए करेगी कि सरकार को रुचि नहीं है। खास करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो, हमने पहले भी कई बार कहा है कि सरकार का जो काम है उस काम में नीतीश कुमार जी ने रुचि लेना छोड़ दिया है। नीतीश कुमार जी खुद भी बोलते रहते हैं कि अब कितना दिन रहेंगे, अब मन नहीं लग रहा है। तो मन नहीं लगने वाला मुख्यमंत्री रहेगा तो स्वाभाविक रूप से यही स्थिति आएगी जो आई है। उपेंद्र कुशवाहा जी, जिस तरह से हाईकोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिखा है कि राज्य सरकार ने प्राइमा फेसी केस अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान के खिलाफ उसने ये केस है, और इसको स्टेट गवर्नमेंट ने इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है, संविधान का यहाँ पर दुरुपयोग किया जा रहा था। देखिए, यह तो सरकार की जवाबदेही थी कि कोर्ट में अपना पक्ष ठीक से रख कर बताए कि यह संवैधानिक मामला है, संविधान के विरुद्ध नहीं है। तो इनके लोग जो भी हो, इनकी तैयारी नहीं थी, जिसके चलते कोर्ट को यह कन्विंस करने में लोग सफल नहीं हो पाए कि यह संवैधानिक है, तो इसके कारण ऐसा हुआ है। राज्य की सरकार ठीक से चाहती तो यह मामला संवैधानिक है, कोर्ट को सरकार समझा सकती थी। अब डाटा को लेकर कोर्ट ने यह कहा कि यह डाटा जो है प्राइवेसी मैटर है और इसको सुरक्षित रखा जाए, इसका क्या मतलब? नहीं, देखिए, सुरक्षित रखा जाए तो दूसरा विषय हो गया ना। पहले जातीय जनगणना हो, बाद में उसका पब्लिकेशन हो कि ना हो, उस समय सवाल उठता है कि इसको सुरक्षित रखा जाए या पब्लिक किया जाए, ये तो बाद का मामला था। देखिए, कुल मिला जुला कर राज्य सरकार की लापरवाही का यह परिणाम है कि ऐसा कोर्ट ने फैसला दिया। क्या सलाह देंगे बिहार सरकार को? बिहार सरकार को हम सलाह देंगे कि इमीडिएट सुप्रीम कोर्ट में अपील करे और
अधिक से अधिक तैयारी करके जो बड़े से बड़े वकील हैं देश में उनसे संपर्क करें और इस काम में रुचि लेकर फिर से सुप्रीम कोर्ट में फैसला में बदलाव हो इस बात का प्रयास करें।